हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बैंगन का चोखा बनाने जा रही हूँ। ये घर पे ही बैंगन लगा था, छत पे मैंने गमलों में लगा रखा है। इसको अच्छे से हमने धुल लिया है और ऐसे हम होल बना के इसमें लहसुन की कलियाँ रख देंगे। अच्छे से लहसुन भी पक जाएगा और बैंगन भी पक जाएगा एक ही साथ, डबल मेहनत भी नहीं हमको करनी पड़ेगी। ऐसे बहुत अच्छे से इसमें लग जाता है। ऐसे होल चाकू से हम बनाएंगे और इसको दबा देंगे, उसी में दोनों चीज़ें हमारी भुन जाएंगी। नहीं तो हमें लहसुन अलग से भूनना पड़ेगा और बैंगन को भी। अगर ऐसे रख देंगे तो एकदम ये फट जाता है, जब ये भुनने लगता है तो फट जाता है। ऐसे होल बन जाएंगे तो फटेगा भी नहीं और दोनों काम हो जाएंगे आसानी से। लहसुन भी भुन जाएगा, बैंगन भी भुन जाएगा और जितना लहसुन है उतना लगा देंगे, बाकी में होल बना देंगे। ऐसे सारे लहसुन रखना है हमको। और ये भुना हुआ चोखा बहुत अच्छा लगता है और इसमें हम सरसों का तेल लगा रहे हैं। इससे बैंगन जलेगा नहीं, केवल ऊपर का इसका स्किन ही जलेगा। ऐसे लगा देंगे तो बहुत आसानी रहेगी। और ये छोटा है लेकिन इसका भी चोखा बहुत अच्छा बनता है, बिल्कुल जैसे गांव वाला आग में जैसे बनाते हैं वैसे। इसको हमने हीट पहले से ही कर लिया है, इस पे ऐसे रख देते हैं। सारे बैंगन आ भी जाएंगे क्योंकि ये छोटे छोटे हैं, बहुत बड़े नहीं हैं। और भुने हुए बैंगन की कुछ बात ही अलग है चोखे की। बनाने को तो कुकर में भी बन जाता है, वो भी हमने बनाया है, लेकिन सबसे अच्छा यही लगता है। और देखिए एक तरफ ये होने लगे हैं, इनको हम पलट देते हैं। अभी बहुत गर्म है इसीलिए चिमटे से पलटेंगे, क्योंकि वो भी हीट हो चुकी है, जाली भी और बैंगन भी, इसीलिए ऐसे हमें पलटना है, उलट पलट के ऐसे सेंक लेना है। लेकिन ये बहुत अच्छा लगेगा। देखिए ये भुनने लगे हैं, जो भुन चुके हैं उनको हम निकाल लेते हैं। यहाँ पे भूनते भूनते हमें 10-15 मिनट हो गया है। धीमे फ्लेम पे इसे भूनेंगे तो बहुत अच्छा बन के तैयार होगा। जितने भूनते जाएंगे हम हटाते जाएंगे और जो इनको ऐसे पलट देंगे। और बैंगन में पानी बहुत होता है इसीलिए एकदम पटपटा रहे हैं। ये भी भून चुका है, इसको भी हटा देते हैं। ऐसे हम चिमटे से दबा के देख रहे हैं, जो एकदम दब रहा है वो भून जाता है और जो थोड़ा टाइट है वो नहीं भूनता है। जितने बचे हैं ऐसे रख देंगे और धीरे धीरे करके इनको भी ऐसे भून लेंगे। फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब इनको थोड़ी देर ठंडा होने देते हैं। अभी ठंडे हो चुके हैं, हमने पंखे में रख दिया था कुछ देर के लिए। और सबसे पहले हम इसमें कट लगाएंगे, पहले कीड़े चेक करेंगे, कीड़े वगैरह तो नहीं है इसमें, और छीलेंगे नहीं अभी। पहले हमें सबसे पहले यही चेक करना है, बहुत बैंगन में कीड़े होते हैं। और अब हम इसका छिलका उतारेंगे, बहुत आसानी से निकल जाता है भुने बैंगन में। सबसे ज़्यादा यही डर रहता है इनमें कीड़े तो नहीं हैं, इसीलिए सबसे पहले मैं बीच से कट लगा के यही चेक करती हूँ। और अब हम इसका डंठल ऐसे हटा देंगे चाकू की हेल्प से। और ये बीच में देखिए लहसुन भी पक गया है और जो इतना बचा है इसको भी काट लेते हैं। ऐसे ही हम फिर से इसको इसमें भी कट लगाएंगे। पहले हमें चेक करना है कुछ है तो नहीं, एकदम क्लीन है देखिए। और अब इसकी भी इससे छिलका हटा देते हैं। बहुत आसानी से ऐसे निकल जाता है, थोड़ा ठंडा हो जाने दीजिए, ऐसे निकाल दीजिए। और ये बहुत झटपट भी बन के तैयार होता है, बहुत झंझट भी नहीं है कुछ, आसानी से बन जाता है चोखा।
और लीजिए फ्रेंड्स, हमारे सारे बैंगन छिल चुके हैं। एक हमने बारीक प्याज काट के लिया है और ये हरी मिर्च दो हमने ली है। तीखा अपने आप हिसाब से कर सकते हैं, जैसा पसंद हो। और अब हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले, स्वाद अनुसार नमक। नमक इसमें हल्का ही अच्छा लगता है, क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा तो चोखा अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए अपने हिसाब से डालें। और एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और एक चम्मच भुना हुआ धनिया। और अब हम एक ये अमचूर पाउडर, इसमें सारे मसाले मिले हैं और बहुत मसाले मिलाने की हमें ज़रूरत नहीं है। ये सरसों का कच्चा तेल है, चोखे में कच्चा तेल ही अच्छा लगता है भरते में। लीजिए फ्रेंड्स, हमारा चोखा बन के तैयार है। आप लोग भी बनाइए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। और इसको अब हम कर रहे हैं हाथों से, अच्छे से हमें मिलाना है इसको, तभी ये खाने में टेस्टी लगेगा। जो हमने बाद में मसाला डाला है वो भरमा मसाला है, उसमें सारे मसाले पड़े हैं, अमचूर पाउडर भी है। लीजिए फ्रेंड्स, चोखा बन के तैयार है।